हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात कर करते हैं साइबर क्राइम एरा में जो इंटरनेट यूज़र हैं उनको वो अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हैं इन डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम से सो टूडेज टॉपिक इज साइबर क्राइम एरा सर्वाइवल मंत्रा फॉर द नेटिजेंस देखिए इसमें क्या होता है कि जो टर्म हमने यूज़ किया है नेटिजन ठीक है द टर्म नेटिजन इज़ यूज फॉर इंटरनेट यूजर ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है इंटरनेट यूजर्स के लिए और दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूज और दिस टर्म वॉज़ क्वाइंड बाई मिस्टर माइचल होबेन मिस्टर माइचल हॉब हाँ एन इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था नेटिजन नेटिजन का मतलब क्या हो गया नेटिजन का सिंपल मतलब अगर सिंपल आप बात करें तो नेटिजेंस मीन्स इंटरनेट यूज़र यानी वो लोग जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करते हैं चाहे पर्सनल यूज पर्पज़ के लिए चाहे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए चाहे बिजनेस किसी भी वजह से अगर वो इंटरनेट को यूज़ कर करते हैं तो दे आर कॉल्ड नेटिजेंस इसका मतलब क्या हुआ कि नेटिजन इज समन

जो एक कंसिडरेबल टाइम अपना स्पेंड करते हैं इंटरनेट के साथ में चाहे वो वेबसाइट पे चाहे अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हों ब्लॉग के कंट्रीब्यूशन में या किसी और के ऑनलाइन चैट रूप में चैट रूम में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरह के जो यूजर्स होते हैं दे आर कॉल्ड नेटिजेंस अब इसमें क्या होता है कि द फाइव पी नेटिजन मंत्रा फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी तो जो नेटिजेंस होते हैं उनको सिक्योरिटी या उनके प्रिवेंशन के लिए फाइव पी मंत्रा जो है ये बहुत यूजफुल होते हैं अब इसमें फाइव पी में देखिए क्या क्या चीजें हैं जैसे पहला हो गया आपका प्रिकॉशन ठीक है सेकंड हो गया प्रिवेंशन थर्ड हो गया प्रोटेक्शन फोर्थ प्रिजर्वेशन एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज परिवरेंस पर ये जो फाइव पीज हैं दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज ऑनलाइन सिक्योरिटी इज़ कंसर्न अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें साइबर सेफ्टी इंश्योर करनी है द मोटो फॉर द नेटिजन शुड बी स्ट्रेंजर इज डेंजर ठीक है तो अगर देखिए अगर आपको साइबर सेफ्टी मेंटेन करनी है या एश्योर करनी है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर स्ट्रेंजर है कोई भी अजनबी है आपके लिए अगर उस पर नेट पे आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब सबसे सब पहले तो आप ये दिमाग में रखिए कि स्ट्रेंजर इज़ डेंजर अगर कोई भी स्ट्रेंजर है तो वो चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है इफ़ यू प्रोटेक्ट योर कस्टमर्स डाटा योर एम्प्लॉइज़ प्राइवेसी एंड योर ओन कंपनी देन यू आर डूइंग योर जॉब इन द ग्रेंडर स्कीम ऑफ थिंग्स टू रेगुलेट एंड एनफोर्स रूल्स ऑन द नेट थ्रू आवर कम्युनिटी तो इसीलिए कि अगर आप अपने एम्प्लॉय की प्राइवेसी अपने कंपनी की प्राइवेसी अपने जॉब की प्राइवेसी ये अगर आप मेंटेन रखते हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत ही एक अच्छे ढंग से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की प्राइवेसी अपने कंपनी की प्राइवेसी और आप क्या काम कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी ये अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से ये अगर आप आपने एश्योर किया हुआ है इसका मतलब यू आर रियली डूइंग ए वंडरफुल जॉब अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इंटरनेट यूजर हैं वो सब ये जानते होंगे नेस्कॉम के बारे में एन ए डबल एस सी ओ एम तो ने पहले ही ये रिक्वेस्ट किया हुआ है नेस्कॉम अर्जेज दैट साइबर क्राइम अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट एंड एनी मैटर शुड बी रिपोर्टेड एट वंस तो साइब नेस्कॉम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने सबसे पहले ही ये सब सारे इंटरनेट यूजर से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई आप साइबर क्राइम के प्रति अवेयर रहिए अवेयरनेस जनरेट कीजिए और अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नॉलेज में आती है तो उसको इमिडिएटली रिपोर्ट कीजिए एंड दिस इज द रीज़न दे हैव एस्टेब्लिश साइबर लैब्स एकर मेजर सिटीज इन इंडिया तो इसीलिए इन्होंने अपनी कंट्री के अक्रॉस में ऑल ओवर कंट्री जो है मेजर सिटीज में इन्होंने साइबर लैब्स बनाई हुई है ठीक अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोर इम्पॉर्टेंटली यूजर मस्ट ट्राई एंड सेव एनी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रेल ऑन दियर कंप्यूटर्स ठीक है यूजर को ट्राई करना चाहिए और सेव करना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रेल है अगर उनके कंप्यूटर को तो ट्राई करना चाहिए उसको सेव करने की ठीक है दैट इज़ ऑल वन कैन डू अंटिल लॉज बिकम्स मोर स्ट्रेंजेंट और टेक्नोलॉजी मोर एडवांस तो जब तक कि लॉज जो है और ज़्यादा तगड़े नहीं हो जाते और ज़्यादा स्ट्रेंजेंट नहीं हो जाते और टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस नहीं हो जाती तब तक ये इंटरनेट यूजर के ऊपर ही है कि वो अपने आप को कितना सिक्योर रख सकता है ठीक है सम एजेंसीज एडवोकेटिंग फॉर द नीड टू एड्रेस प्रोटेक्शन ऑफ़ द राइट्स ऑफ नेटिजन्स अब कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो नेटिजन्स के राइट right के लिए भी एड वो अपना प्रपोजल रख रही हैं डिमांड कर रही हैं कि नेटिजन्स के भी राइट right होने चाहिए राइट ऑफ नेटिजन्स देयर आर एजेंसीज देट आर ट्राइंग टू प्रोवाइड गाइडेंस टू इनोसेंट विक्टर क्राइम कई एजेंसी ऐसी हैं जो कोशिश कर रही हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जो इनोसेंट विक्टम हैं साइबर क्राइम के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं हाउ एवर ये जो एनजी ओ है दीज एनजीओ लाइक एफर्ट्स कैन नॉट प्रोवाइड कम्प्लीट सपोर्ट टू द विक्ट ऑफ साइबर क्राइम क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह हैं जो सेल्फ जिसे कहना चाहिए सेल्फ इंस्पॉर्स इंस्पॉर्सर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये जितने प्रयास कर रहे हैं वही पर्याप्त नहीं है साइबर क्राइम के विक्टम्स को सपोर्ट करने के लिए एंड आर अनेबल टू गेट द नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस और जो ऐसे एन होते हैं वो इस पोजीशन में नहीं रहते हैं कि उनको नेसेसरी सपोर्ट मिल जाए पुलिस से

इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू ए फेल्ट नीड फॉर क्वाइट सम टाइम तो इस वजह से एक एजेंसी संवैधानिक रूप से जो सक्षम संस्था हो उसकी जरूरत महसूस की जा रही है ताकि जो आई टी ए टू थाउजेंड के जो एब्यूज लोग हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दुरुपयोग टू थाउजेंड के दुरुपयोग में जो से के फंसे गए लोग हैं उनकी सहायता के लिए इस तरह के एक स्टेचुरी एजेंसी की आवश्यकता फील कर की जा रही है काफ़ी समय से ठीक तो अब इसमें क्या होता है कि जब अभी जब तक और ज़्यादा हमारे पास हार्ड और स्ट्रांग लॉज नहीं आ जाते हैं या और जब तक हमारे पास और कुछ ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो जाती है तब तक सबसे अच्छे अच्छा तरीका क्या है अपने आप को ऑनलाइन सिक्योर रखने का अपने आप को साइबर क्राइम से बचाए रखने का वो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप जो है अपने आप को ही अपडेटेड रखें साइबर क्राइम के, के से अवेयर रहें कौन से नए नए तरह के मालवेयर स्पाइवेयर अवेलेबल हो गए हैं उस पर ध्यान रखें और और भी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे अनऑथराइज यूज़र को कभी भी अपना पासवर्ड या ये सारी चीज़ें आप शेयर ना करें पासवर्ड को हमेशा जब भी बनाएं तो जो भी उसके लिए अलाउड रूल है उसमें स्ट्रांग से स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है तो जब जब तक कि और ज़्यादा तगड़े लॉज तगड़े कानून और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो जाती है क्योंकि तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है तो अनटिल अनलेस की जब तक कोई हंड्रेड परसेंट फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम के अगेंस्ट नहीं तैयार हो जाती है तब तक आप बेसिक पे काम करके और बेसिक एक्टिविटीज़ को ही सेफ और सिक्योर करके आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इनक्रीज कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सक्सेस मंत्रा क्या है नेटिजेंस के लिए इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए थैंक यू